हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूंगी। ये राशियां आप कैसे देख सकते हो, या तो आप अपने नाम के बेसिस पे देख सकते हो या फिर आप अपने बर्थ डेट के बेसिस पे भी देख सकते हो। एंड सेकेंडली, ये जो रीडिंग्स मैं करती हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है कुछ पार्ट आप रेजोनेट कर पाओ, हो सकता है आप कुछ पार्ट ना रेजोनेट कर पाओ, एंड बोथ इज फाइन। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। मेष राशि 2nd of November, मेष राशि 2nd of November, 7 of Wands, Queen of Cups, 5 of Wands एंड द डेविल। ओके, मेष राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन ऐसा हो सकता है कि आपको अपना कहीं पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़े। बहुत सारी मुझे फाइटिंग होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हो या एक अननेसेसरी फाइट में फंसे हुए हो, और उसके अंदर जीत किसी की भी नहीं होने वाली है। सो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है। और हाँ, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने आप को भी लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव फील कर सकते हो कि इट्स लाइक कि मेरे को किसी ने कैसे हर्ट कर दिया, मेरे इनर चाइल्ड को या मेरे इमोशंस को किसी ने कैसे चोट पहुंचा दी या कुछ भी ऐसा। तो उस चीज़ के अंदर ना आपके काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक्स बाहर आ सकते हैं, जिसमें आप अपना गुस्सा दिखा सकते हो या कुछ भी ऐसा। और ये जो चीज़ है, और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में भी फंसे हुए हो जो इंसान आपके इमोशंस का भी फ़ायदा उठा रहा है। तो आपको थोड़ा सा और कॉशियस होने की ज़रूरत है जब बात आती है अपनी क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी पे, मतलब अपने इमोशंस पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, इमोशंस की बात है, वहाँ पे लड़ना ही क्यों है। यू जस्ट हैव टू वॉक अवे, वहाँ से बस निकल जाओ, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों का 2nd of November, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, और साथ में आया है 8 of Swords। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ फियर्स हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप एक अपने परफेक्ट मैच से कहीं ना कहीं बात कर रहे हो इस टाइम पे, या परफेक्ट मैच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है। या आपके फ्रेंडशिप को लेके हो सकती है, आपके करियर को लेके हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके भी हो सकती है। बट एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप दो लोग साथ में बहुत अच्छे से वाइब कर सकते हैं, बहुत अच्छा मैच मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो वहाँ पे, और हो सकता है कुछ लोग जो सिंगल हैं आपकी लाइफ में, ये इंसान बहुत जस्ट अभी अभी आया है या ये आने वाला है या आने वाली हैं। ओके, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कोई ऑफर है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने फियर्स को आपको साइडलाइन करना है, अपने फियर्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है आपको। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मिथुन राशि वालों का 2nd of November, मिथुन राशि 2nd of November, 8 of Pentacles, द वर्ल्ड, 5 of Cups एंड 7 of Pentacles। मिथुन राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, इवन दो आप अपनी जो भी आप काम कर रहे हो, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ में, किसी काम को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी मेहनत कर रहे हो, और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपने किसी चीज़ पे काफ़ी एफर्ट्स डाले थे या डाले हैं, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। मतलब इट्स लाइक कि आपको शायद से उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जितनी ज़्यादा आपने एफर्ट्स डाले हैं। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा रिग्रेट फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने इतने एफर्ट्स डाले भी क्यों या कुछ भी ऐसा। ओके,
और साथ में मेरे को ये भी लग रहा है आप कहीं ना कहीं अभी भी होप रख रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये वाला जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है। आपने चाहे मेहनत इस पर कितनी की है कितनी नहीं की है, हमेशा हार्डवर्क मैटर नहीं करता, स्मार्ट वर्क भी मैटर करता है। ओके, और आप कहाँ पर मेहनत कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, आपको उससे क्या मिलेगा, वो सब चीज़ें भी उतनी ही मैटर करती हैं। तो इस चीज़ पर वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, और इस चीज को क्लोजर दो, क्योंकि अब तो क्लोज हो गई है वो साइकिल। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों का 2nd of November, कर्क राशि 2nd of November, स्ट्रेंथ 4 of Cups, 3 of Wands एंड 6 of Pentacles। ओके, कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है या आई हुई है जो आपको यूनिवर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान उस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। आप अपनी दुनिया में इतना ज़्यादा मगन हो, या फिर आप अपने खुद की स्ट्रेस में, अपनी ओवर थिंकिंग में, अपने बॉर्डम में, आप इन चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हो कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी है आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, और ऑल्सो कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अनजस्ट फील हो जब बात आती है किसी के एफर्ट्स डालने की। हो सकता है कि आपको लगे कि आपको शायद से उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, और आपका पूरा ध्यान उसी चीज़ पे है कि आपको कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा, और उस पूरे ध्यान के चक्कर में आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। तो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को, अपनी प्रैक्टिकल साइड को आपको थोड़ा और एक्टिवेट करने की जरूरत है आज। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का 2nd of November, सिंह राशि 2nd of November, द चैरियट, 2 of Cups, Page of Cups and the Hermit. ओके, सिंह राशि वालों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आ रखा है इस टाइम पे, या आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं। ओके, चाहे लड़का है या लड़की है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप तो मुझे दिख रही है, लेकिन इस पार्टनरशिप के लिए ना आपको थोड़े से अपने हर्मिट मोड से निकलना पड़ेगा। हर्मिट मोड एज इन, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, या बहुत ज़्यादा ही अपने काम में ध्यान देते हैं, या कुछ भी ऐसा। तो उस चक्कर में आप अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स को, बॉन्ड्स को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बोले जा रही है कि आपको अपने दिल को और बड़ा करना है। ओके, आपको और एफर्ट्स लगाने हैं, करेज लगाना है, और किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत ज़्यादा दिल से चलने की ज़रूरत है, रादर दैन अपने दिमाग से, या अपने ईगो से, या अपने बचकांड हरकत से। ओके, और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी का कुछ मुझे कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी लग रहा है। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी का मैसेज आए या कुछ भी ऐसा, तो वो नो कॉन्टैक्ट जोन भी मुझे लग रहा है अब ख़त्म होने वाला है। तो आपका जो हर्मिट वाला फेज़ है वो अब एंड होने वाला है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा? कन्या राशि 2nd of November, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस, और साथ में आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कन्या राशि वालों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैसों को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके करियर को लेके बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्लैरिटी आने वाली है। काफ़ी चीज़ों में मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपके पास पैसों की कमी थी, या फिर आप अपनी सेविंग्स पे ज़्यादा चल रहे थे, लेकिन अब वो सेविंग वाली एनर्जी से आप एक दूसरी एनर्जी में आ रहे हो जो कि है इन्वेस्टमेंट वाली एनर्जी। ओके, कि आप जो भी आप पैसा कमाओगे, अगर आप किसी चीज़ में पैसा डालोगे तो वो आपको काफ़ी फलेगा। ओके, और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि और ये हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके, अब जैसे वो स्टॉक मार्केट हो सकता है, वो NFT हो सकता है,
यू नो एक्स वाई जी थिंग्स, मतलब कुछ ऑनलाइन चीज़ से रिलेटेड मुझे लग रहा है वहाँ पे हो सकता है कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस. लेट्स चेक नेक्स्ट राशि. तुला राशि का आज का दिन कैसा जाएगा? तुला राशि का 2nd of November, 10 of Swords, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 3 of Swords. ओके, तुला राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एंडिंग से इस टाइम पे निकल रहे हो. कोई पेन है, कोई सफरिंग है, और ये जो एंडिंग है कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है. ओके, आपने अपने हाथों से कुछ चीज़ें खुद से ख़राब की हैं, और उस वजह से एक मुझे बर्डन दिख रहा है, उस वजह से मुझे एक साइकिल एंड होती हुई दिख रही है. ओके, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये भी आपको बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग भी आएगी. ऐसा नहीं है कि न्यू बिगनिंग नहीं आएगी, लेकिन उससे पहले आपको किसी हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल में आ सको, जिससे कि आप अपनी एनर्जी में आ सको, चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो या आप कोई एक्शन लेते हो किसी को लेके, आप कोई एफर्ट्स डालते हो, तो वहाँ पे आपकी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की ना कहीं कमी हो जाती है. ओके, या फिर आप इतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें नहीं कर पाते हो, तो वो अब मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है. एक वो कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, वो करिश्मा आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी पर्सनैलिटी में. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि. वृश्चिक राशि वालों का 2nd of November, वृश्चिक राशि 2nd of November, 7 of Cups, 5 of Cups, 3 of Pentacles एंड द डेविल. पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कुछ कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश कर सकता है, आपको कोई उलझाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको उस चीज़ से बचना है. मुझे यहाँ पे मैनिपुलेशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, गैस लाइटिंग की एनर्जी. गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि जब आपको कोई उतना हद तक इन्फ्लुएंस कर देता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ अच्छा आपके बाल जो है वो ब्लू हैं, ठीक है, और आप उस चीज़ में भी इन्फ्लुएंस हो जाओ कि ओह अच्छा शायद मेरे बाल ब्लू हैं, ओके, तो उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन या गैस लाइटिंग. ऑल राइट, तो उस चीज़ से आपको डेफिनेटली बचना है. और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पीछे कोई बात कर रहा है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो इन चीज़ों से, इन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है. और बिल्कुल भी अपना ध्यान आपको अपनी एडिक्शंस में, अगर आपको किसी भी टाइप की एडिक्शन है, एडिक्शन पे आपको डेफिनेटली वर्क करने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि, ठीक है. और एडिक्शन हमेशा ये नहीं है कि ड्रग्स की हो या इन चीज़ों की, किसी भी चीज़ की हो सकती है एडिक्शन हमें, तो ओवर थिंकिंग की भी एडिक्शन हो सकती है, कुछ काम करने की एडिक्शन हो सकती है, कॉफ़ी की एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग की एडिक्शन हो सकती है, किसी इंसान की एडिक्शन हो सकती है, पैसों की एडिक्शन हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग. तो उस चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि. धनु राशि वालों का 2nd of November, धनु राशि 2nd of November, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Swords, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ. ओके, तो धनु राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दो लोगों के साथ डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़कियां, दो पर्सन मुझे लग रहे हैं, और दोनों के साथ ही मुझे एक बहुत ही एक सफरिंग वाली सिचुएशन या फिर एक एंड होती हुई सिचुएशन, एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन दिख रही है. इट्स लाइक कि यहाँ पे मैंने उम्मीद रखी थी, यहाँ से भी दिल टूटा, यहाँ पे मैंने उम्मीद रखी थी, यहाँ से भी दिल टूटा, दोनों ही चीज़ें. लेकिन यही चीज़, यही सफरिंग, यही पेन आपको लेके जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन की साइड, जहाँ पे आप अपनी रियल पावर में आते हुए दिखोगे, जहाँ पे आपको बहुत बड़ी अवेकनिंग आएगी अपने आप को लेके, ठीक है, अपनी खुद की इमोशनल साइड को लेके, अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल साइड को लेके. ये पूरी जो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि धनु राशि कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं या एक चैलेंज से निकल रहे हैं जहाँ पे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट रीज़न बनेगा आपका, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है. ये ही
डिसअपॉइंटमेंट रीज़न बनेगा आपको अपने आप को समझने का. आप अपने आप के साथ और ज़्यादा पास फील करोगे, आपको अपनी और ज़्यादा वैल्यू पता चलेगी, वर्थ पता चलेगी. ओके, सो ये जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिसगाइज है. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि. मकर राशि वालों का 2nd of November, मकर राशि 2nd of November. द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बिजनेस में काफ़ी मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मनी आता हुआ दिख रहा है, फ्लो ऑफ अबंडेंस मुझे दिख रही है, नए आइडियाज़, नया परसेप्शन, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं. तो और आप फुल एनर्जी में हो कि आप इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको चूज़ करते हो या नहीं. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों की लाइफ में एक नया पर्सन आने वाला है, कोई नया रिश्ता हो सकता है, और ये इंसान हो सकता है कि आपसे थोड़े से अलग हों, तो इसलिए आपको इन्हें एक नए परसेप्शन से देखना पड़ेगा, एक नए नज़रिए से देखना पड़ेगा. लेकिन ये पर्सन जो है, ये कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन का पार्ट होगा. आपने ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, तो अब आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि क्या आप उनके साथ जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि. कुंभ राशि वालों के लिए 2nd of November. कुंभ राशि 2nd of November. कुंभ राशि 2nd of November. द डेविल, 7 of Cups, 3 of Pentacles एंड 7 of Swords. ओके, तो कुंभ राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है. कोई एक ऐसा इंसान है जो आपसे झूठ बोल रहा है, कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं, अपनी बहुत सिली गेम्स खेल रहे हैं आपके माइंड के साथ, या जो कुछ भी ऐसा. आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी कार्मिक एनर्जी से डील कर रहे हैं, और ये जो कार्मिक एनर्जी की होती है ना, ये ऐसी एनर्जी होती है जो आपको कहीं ना कहीं एक बैड एक्सपीरियंस लेके जाती है. हालाँकि आप उस एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखते हो लाइफ के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, लेकिन ये कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता. ठीक है, ये आपको कुछ आएंगे, आपको कुछ सिखाएंगे और निकल लेंगे. ठीक है, तो इस इंसान से या इस सिचुएशन से किसी भी टाइप की अटैचमेंट नहीं रखनी है. दूसरी चीज़ ये, मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान देना है. कोई पैसे किसी को लेंड नहीं करने हैं, किसी से बोरो मत करना, पैसों का आपको खास ध्यान रखना है, अपने फाइनेंसेस का आपको खास ध्यान रखना है. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि. मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. मीन राशि 2nd of November. मीन राशि 2nd of November. 3 of Cups, 2 of Cups, 6 of Cups एंड 8 of Pentacles. बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं मीन राशि वालों के लिए. आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो, किसी के साथ रीयूनियन हो सकता है, आप अपने किसी खास से मिल सकते हो, आप अपनों को लेके काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो, आपको सपोर्ट अच्छे से मिलेगा अपनों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से. हो सकता है कि आपको अपनी किसी खास की याद भी आए आज. ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत सॉफ्ट एनर्जीज़ हैं, बहुत सूदे और बहुत काम एनर्जीज़ हैं. काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, और वर्क करना मतलब ज़रूरी नहीं है. कुछ लोगों के लिए करियर में ये कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, लेकिन फैमिली और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अपनी रिलेशनशिप्स पे बहुत वर्क कर रहे हो. आपको समझ आ रहा है कि एक अच्छी रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो रिलेशनशिप आपके पति के साथ है, आपकी सास के साथ है, आपके बच्चों के साथ है, आपकी मम्मी के साथ है, पापा के साथ है, किसी के साथ भी है, चाहे आपके दोस्तों के साथ भी हो. ओके, सो आज आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. एंड ये थी हमारी 12 राशियाँ. आई होप आपको हेल्प मिली हो. मुझे बताना आपको कैसी लगी, एंड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, और अच्छी लगी तो ही बताना, वरना मत बताना. एंड मैं मिलूंगी आपको कल फिर से. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।